नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सीएम साय और प्रभारी ओम माथुर इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। दावा यह किया जा रहा है कि कई और नेता भी कमल थामेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मौर्य बीजेपी में शामिल हुए। अखंड लोकतांत्रिक पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया गया। और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, तो सीएम का रिएक्शन भी आगे हम आपको बताएंगे। लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला, अमित जोगी का नाम भी सामने आया है, महंत राम सुंदर दास का नाम भी सामने आया है। यह सिर्फ नाम सामने आया है, पर छत्तीसगढ़ का इतिहास और राजनीति विज्ञान के शोधार्थी रिसर्चर ये जानते हैं कि सियासत में शुरुआत में कहा था मित्रों, भारतीय राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के वर्तमान दौर में जो वरिष्ठ नेतृत्व है देश में, उनमें से एक जिन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों में बल्कि देश भर में, आनंद प्रकाश मौर्य आम आदमी पार्टी के नेता वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा अखंड लोकतांत्रिक पार्टी, एक पार्टी बनाई गई थी, पार्टियां बनाई जाती हैं चुनाव के दौर में, अपनी दृढ़ता से उसका बीजेपी में विलय कर दिया गया है। कई और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आम आदमी पार्टी नेताओं के चेहरे तो खैर सामने ही आ गए, नाम सामने आ गए, पर माना यह जा रहा है कि कई और चेहरे हैं जो फिलहाल इनकार कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इकरार कर चुके हैं, प्यार कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, भाजपा का प्रवेश कार्यक्रम हम एक देख सकते हैं। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में बड़ी संख्या में जो आप पार्टी के संगठन के लोग हैं वो भाजपा में प्रवेश किए। ये वो संगठन के लोग हैं जो जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में संगठन की कमान संभाल रहे थे, तो ऐसे में ये प्रवेश कार्यक्रम सीधे तौर पर चल रहा है। और अब ये देखा जा रहा है कि और भी जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो भी सीधे तौर पर प्रवेश लेने वाले हैं। हालांकि स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उस दिन में ये प्रवेश का कार्यक्रम और भी चलेगा, क्योंकि मंच से जो घोषणा हुई है उसमें साफ कहा गया है कि जिले स्तर पर भी एक समिति बनाई जाएगी, वो जिलों में प्रवेश कार्यक्रम चलाएंगे। तो बड़ी संख्या में जो अन्य पार्टियों के लोग हैं वो भी संपर्क में हैं और लगातार ये प्रवेश कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। लोकसभा की दृष्टि से भी काफी बड़ा भाजपा का ये एक रणनीति माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश उस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक बड़े अपडेट की बात करेंगे। इंदौर में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ग्रामीण इलाके में एक मादा तेंदुआ घूम रही है, सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा तस्वीर भी कैद हुई और उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है। वन विभाग ने 2 से 3 पिंजरे भी लगाए हैं पर अब तक कामयाबी मिली नहीं है। ग्रामीण इलाके में तेंदुए को लेकर रहवासियों में थोड़ा भय का माहौल है। रात में घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। नैनोद का ये पूरा मामला है, नैनोद इलाके के समर्थ कॉलोनी। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग एक सप्ताह पहले मादा तेंदुए को उस इलाके में देखा गया था। तब से लगातार वन विभाग की टीम जो रेस्क्यू करने का तेंदुए का प्रयास कर रही है। कई अन्य माध्यम से इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली। और अब जो नई ताजा तस्वीरें आई है, समर्थ कॉलोनी की तस्वीरें हैं और उस इलाके में तो ये मादा तेंदुआ है घूमती नजर आई, 2 अलग अलग सीसीटीवी में भी कैद हुई है। हालांकि इसको पकड़ने के लिए 3 पिंजरे भी लगाए गए हैं, दूसरी कार्य योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन अब तक वन विभाग को उसको मादा तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिली, जिससे आसपास इलाके में, जिस इलाके में ये घूम रही है या जिसका मूवमेंट लगातार जिन इलाकों में देखने को मिल रहा है, वहां के स्थानीय रहवासियों में दहशत का माहौल है।
सूरज ढलने के बाद ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि अक्सर जो तेंदुए की मूवमेंट है वो रात के समय ही देखी गई है। तो फिलहाल जो वन विभाग की टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस मादा तेंदुए का रेस्क्यू किया जाता है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ा सा राहत की सांस वो ले सके। जी जी, हालांकि एक बात और है शैलेंद्र, के इंदौर जैसे संसाधन संपन्न इलाके में अगर तेंदुए को काबू करने में 7 दिन या ज्यादा का वक्त लगे तो सोचना और सुधार करना जरूरी है। शैलेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से ये मादा तेंदुए जो बताया जा रहा है कि इसने कुछ दिन पहले 2 बच्चों को भी जन्म दिया था, और उसके बाद ये रिहायशी इलाके में लगातार इसका मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और अलग अलग इलाकों में इसका मूवमेंट उस इलाके में देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी, तमाम प्रयत्न करने के बावजूद भी, अगर वन विभाग की टीम इसको पकड़ नहीं पा रही है तो आप जवाब पूरा करिए, लेकिन मैं एक एड ऑन करना चाह रहा हूँ, अगर इसने बच्चों को जन्म दिया तो ये बहुत आक्रामक भी होगी। शैलेंद्र। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये डर की बात स्थानीय लोगों में इसी बात को लेकर है, क्योंकि इसने हाल ही में 2 सावकों को जन्म भी दिया था। इस बात की जानकारी वन विभाग को भी है, और वन विभाग लगातार इसको ट्रेस करने में भी जुटा हुआ है। तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, अलग अलग जो अभियान है उसके तहत इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि देखिए, आसपास के जो सीसीटीवी है उनमें ये लगातार देखी जा रही है, लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है, दिन में भी कई तरह के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, रात के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसको पकड़ने में फिलहाल वन विभाग के हाथ फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध भी जताया है। सीएम मोहन यादव ने कहा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की ओर पहला कदम है। तो सीएम के बयान के बाद लगातार हालांकि बयान के सिलसिले चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और पाकिस्तान के पास अब बचा क्या है बयान के अलावा, यह भी एक बड़ी बात है। तो वो बयान दे रहा है, लेकिन उस पर रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अखंड भारत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से एतराज जताया गया, प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड वाला फिर बनाएंगे, तो सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, और ये सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव का बयान है नहीं, पीओके पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर उसे लेकर जिस तरह के बयान आते हैं, उसके बाद बयानों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने के पहले अखंड भारत ही था, अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है, आपत्ति करने भर से ये बात समाप्त हो नहीं जाती। लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए शरणार्थी आए उसके पहले तो अखंड भारत था ही, तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है,
तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। इधर गुवाहाटी में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम पुलिस के द्वारा रोके जाने और उसके बाद पुलिस से भिड़ंत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ FIR के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि असम में इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ FIR है। इस बार CM हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहा है कि लोगों को भड़काने को लेकर FIR दर्ज की जाए। इधर राहुल गांधी के काफिले पर असम में हुए हमले के विरोध में इंदौर में कांग्रेस ने मौन धरना दिया। बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का मौन जुलूस या धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जब न्याय यात्रा पर निकले थे आसाम में, उस दौरान हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि बड़ा गणपति पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पर आज मौन धरने पर यहां पर बैठे हुए सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने। आखिर किस तरह की मांग है, ये बात हम बात करेंगे कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष उनसे। सर, किस तरह की मांग है और क्या मांग को लेकर आप बैठे? देखिए, जन जन के नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के दौरान जब असम में शंकरादेव मंदिर में प्रवेश करना चाह रहे थे, चूंकि कल राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी और उन्होंने चाहा कि मैं राम मंदिर में दर्शन करूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने उनको वहां प्रवेश नहीं करने दिया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर में जाए। आज कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के साथ चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। कौमी एकता के नारे को लेकर हमारे यशस्वी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशन में इंदौर का शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस संयुक्त रूप से आज मौन धरने पर सुभाष चंद्र बोस के समक्ष बैठे हैं। हमारे नेता का जो अपमान किया गया है, जो उनके ऊपर हमला किया गया है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने बैठे और कह रहे हैं कि ये हिटलर शाही है बीजेपी की, ये नहीं चलने दी जाएगी। कैमरामैन डगलस के साथ सैलेंसी न्यूज 18 इंदौर। इधर भोपाल में कांग्रेस ने मौन धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के विरोध में रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वे सभी इसका हिस्सा बने। भोपाल स्थित रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा दें। दरअसल इस मौन धरना प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता, स्थानीय विधायक दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह इसमें मौजूद हैं। साथ ही जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं विभा पटेल, वो मौजूद हैं। पूर्व विधायक PC शर्मा नज़र आ रहे होंगे। तमाम जो नेता हैं वो इस मौन धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले के बाद दरअसल ये मौन धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। कोशिश यही है इस मौन धरने के जरिए एक संदेश देने की, क्योंकि आगे जो यात्रा है वो सफल होती रहे, सामान्य तरीके से चलती रहे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। तो खबरों का सिलसिला जारी है, फिलहाल विराम की बारी है।